तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ एक और अमेजिंग सा वीडियो। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे रॉकेट। एक छोटा सा रॉकेट बनाएंगे, सिर्फ माचिस और एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करेंगे, रॉकेट बनाने की कोशिश करेंगे और एंड में हम उसे चला कर भी देखेंगे वो वर्क करता है नहीं, और अगर वर्क करता है तो कितने दूर तक की डिस्टेंस कवर करता है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी हुई घंटी को भी बजा दीजिए। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, हमें रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी एल्यूमिनियम फॉइल की, कुछ इस तरह की, जो इस तरह के बॉक्स में आती है। ये आपको नॉर्मल किसी भी जनरल स्टोर या फिर किसी सुपरमार्केट में आराम से मिल जाएगी। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी माचिस की, हमें सिर्फ इन तीलियों की ज़रूरत है। उसके बाद हमें एक प्लायर, जिसे पिंचेस भी बोलते हैं, उसकी ज़रूरत होगी और एक नॉर्मल सी पेंसिल की। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले मैं इन सबको साइड में हटा देता हूँ। हमें सबसे पहले जो ये माचिस है, इन माचिस को बाहर निकाल लेना होगा। उसके बाद में ये इस प्लायर की हेल्प से हमें इसे यहाँ से इसे यहाँ से कट कर देना होगा। तो मैं कट कर देता हूँ, हमें इस तरह से कट कर देना होगा। कट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। उसके बाद हमें इसे किसी भी बॉक्स में या किसी भी चीज़ में हमें इसे रख लेना होगा काट के। तो मैं इन सभी को फटाफट से काट लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने इसे काट लिया है, ये इस तरह से कट चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें जो ये हमने फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल है उसे काट लेना है कुछ इस साइज़ में काट लेना है कि यहाँ से पेंसिल की डिस्टेंस कुछ इतनी आ जाए और हमारे यहाँ पर जो माचिस हमने काटी है वो फिल करने का काम आ जाए। और हमें इसे कुछ इस शेप में काटना होगा, आप देख लीजिए ये शेप, इस शेप में हमें काट लेना होगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये एल्यूमिनियम फॉइल अब ले लेना होगी। हमें इसे यहाँ पर पहले पेंसिल रख देना होगी कुछ इतनी डिस्टेंस पर हमें पेंसिल रख देना होगी। उसके बाद हमने जो ये माचिस की जो ये तीलियाँ काटी है, जिसमें जो ऊपर बारूद या मसाला जो भी आप कहो वो है, वो हमें यहाँ पर डाल देना है। हमें ये माचिस की तीले जो हमने काटी है यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हमें इसे सिंपल सा रोल कर देना है इस पेंसिल की हेल्प से। तो मैं इसे रोल कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, इसे रोल करने के बाद हमें ये जो टॉप वाला पोर्शन है, यहाँ से इसे हमें हाथ से थोड़ा सा प्रेशर लगाकर प्रेस कर देना होगा कुछ इस तरह से। उसके बाद जो हमारी माचिस की तीली हमने यहाँ पर भर रखी है, यहाँ से हमें इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए नीचे लाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें सिंपली इस पेंसिल को निकाल देना होगा। और इसे हमें साइड में रख देना होगा। इसी तरह से मैं और बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सभी को बना लिया है, मैंने 5 बनाई है। हम 5ों को ट्राई करके देखेंगे ये किस तरह से वर्क करती है और कितने डिस्टेंस कवर करती है।
चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स हम बाहर आ चुके हैं, अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे वर्क करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, मुझे लगा था ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और फ्रेंड्स आप अपने आइडियाज और सजेशन मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं नीचे आईडी आ रही होगी। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।